दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरब कितना अमीर शहर है, और हो भी क्यों ना, क्रूड ऑयल सऊदी के लिए किसी खजाने से कम थोड़ी है। वैसे क्या आपको इसके बारे में पता है कि सऊदी का सबसे अमीर परिवार है कौन सा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सोचा आपने। सऊदी का सबसे अमीर परिवार है अल सऊद परिवार। आप इन्हें चाहे तो सऊदी अरब का शाही परिवार भी बोल सकते हैं। इस परिवार की कुल निजी संपत्ति करीब $1.4 ट्रिलियन यानी कि 86 लाख करोड़ रुपए है। अब वैसे तो इस शाही परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, जिसमें क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस परिवार में करीब 15,000 लोग हैं। इनकी व्यक्तिगत संपत्ति $3 बिलियन से अधिक यानी 214 अरब रुपए से ज्यादा बताई जाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मोहम्मद बिन सलमान का पूरा नाम मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान है। इन्हें 21 जून 2017 को सऊदी अरब का राजा बनाया गया था। मोहम्मद बिन सलमान के पिता शाह सलमान है, और 2017 से पहले सऊदी अरब के राजा यही थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 2015 में $300 मिलियन यानी करीब 2000 करोड़ रुपए में बिके फ्रांसीसी महल के असली मालिक अब सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान है। और तो और, जिस वक्त ये घर बिका था उस वक्त ये दुनिया का सबसे महंगा घर था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान के महल से वाकिफ करवाएंगे, जिसको जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। यकीन मानिए, आप अभी जितना अमीर मोहम्मद बिन सलमान को समझ रहे हैं, वो उससे करीब 10 गुना ज्यादा अमीर हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको वीडियो को लाइक के साथ साथ दोस्तों में शेयर भी करना है। तो चलिए दिखाते हैं आपको राजशाही ठाट और बाट। दोस्तों, अब हम आपको सीधे मोहम्मद बिन सलमान के महल के बारे में बताएं, उससे पहले आप जरा मोहम्मद बिन सलमान के लाइफस्टाइल के बारे में जान लो। आज भले ही आप यकीन ना करो, लेकिन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की लाइफस्टाइल वाकई में किंग साइज है। आप उनके रईसे का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके आलीशान शौक और महंगी पार्टियों की चर्चा दुनिया भर की मैगजीन और अखबारों में होती है। क्राउन प्रिंस के शौक इतने शाही हैं कि उनकी बर्थडे पार्टी में भी शकीरा और जेनिफर लोपेज जैसे कलाकार परफॉर्म करते हैं। मालदीव में 2015 में क्राउन प्रिंस ने एक रात की बर्थडे पार्टी में 56 करोड़ रुपए खर्च कर डाले थे। क्यों उड़ गए ना होश? बात यही खत्म नहीं होती दोस्तों। क्राउन प्रिंस के शौक बेहद शाही है। उनके पास दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों का शानदार कलेक्शन है। इसके अलावा उन्हें महंगी नस्ल के घोड़े, ऊंट और महंगे दुर्लभ पक्षियों का कलेक्शन रखने का भी शौक है। सोचिए दोस्तों, ये वो चीजें हैं जिनका इस्तेमाल उन्हें आए दिन करना भी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रिंस ने कुछ साल पहले 360 करोड़ रुपए में एक सुपर लग्जरी यार्ट खरीदा था। बता दें, इस यार्ट में सभी आधुनिक सुख सुविधाएं हैं। क्राउन प्रिंस ने ये यार्ट रूस के एक बिजनेसमैन से खरीदा। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जिस इंसान का यार्ट इतना महंगा होगा, उसका घर किसी महल से तो कम होगा नहीं। सही बोल रहे हैं ना? वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में बताना। चलिए अब आते हैं उस बात पर जिसका इंतजार आप तब से कर रहे थे। दोस्तों, जिस महल के बारे में अभी हम आपको बताने वाले हैं, वो महल सबके होश उड़ा देता है। आपने कभी न कभी बंकिंग पैलेस का नाम तो सुना होगा। सोचिए, बंकिंग पैलेस भी मोहम्मद बिन सलमान के इस महल के सामने कुछ नहीं है। अब वैसे तो इनके बहुत सारे महल है, लेकिन उन्हीं पैलेस में से एक पैलेस लोगों से काफी ज्यादा तारीफें बटोरता है। उस महल का नाम है अल यम माहा। दोस्तों, यकीन मानिए, यह सऊदी अरब की सुंदरता में चार चांद लगाता है। यह सऊदी अरब के दक्षिणी क्षेत्र में बना हुआ है। आप जब इस महल को सामने से देखेंगे तो यकीन मानिए, आपको आपकी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। ऐसा लगेगा मानो आप जन्नत में आ गए हो। इस महल का जो फर्श है वो इटालियन मार्बल से बना हुआ है। इस महल की दीवारों पर और छतों पर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मोहम्मद बिन सलमान हर हफ्ते इस महल में ऑफिशियल मीटिंग करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के करीबी या कोई पॉलिटिकल नेता जब सऊदी अरब घूमने आता है तो वो इसी महल में रुकता है, जहां उसके अच्छे ढंग से मेहमान नवाजी की जाती है। दोस्तों, ये महल कितना बड़ा होगा, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि उस महल में एक दो नहीं बल्कि 4 फुटबॉल स्टेडियम आ सकते हैं। क्यों रह गए ना मुंह खुला का खुला? दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं। दोस्तों, बने रहिए वीडियो के एंड तक, आपके होश न उड़ जाए तो फिर बात ही क्या है। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस महल में सबसे ज्यादा खास बात क्या है? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, इस महल में सोने की नक्काशी की गई है। जी हाँ दोस्तों, सोने की नक्काशी।
पहले के जमाने में ऐसा होता था, पर आज के जमाने में ये बना पाना शायद सिर्फ और सिर्फ सऊदी ही कर सकता था। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और आप कभी इस महल में गए तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आपको यहाँ पर हर चीज पर सोने की परत चढ़ी हुई मिलेगी, कुर्सी टेबल और यहाँ तक कि खाने के प्लेट पर भी। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस महल को बनाने का खर्चा कितना आया होगा। खैर, अब इतना कुछ सोने का है तो इस बात को सुनने के बाद आपके दिमाग में बात तो जरूर आई होगी कि आखिर इनकी सेफ्टी का क्या। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस महल का चप्पा चप्पा निगरानी में रहता है। आपको इस महल में करीब हर जगह एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात मिलेंगे जो 24 घंटे इसकी निगरानी में लगे रहते हैं। साथ ही महल के चारों तरफ और अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अब खुद सोचिए, जहां इतनी निगरानी होगी वहां से एक सुई भी गायब हो सकती है क्या? खैर दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मोहम्मद बिन सलमान के पास ये एकमात्र महल नहीं है, और तो और ये सारी की सारी धन दौलत इन्हें विरासत में मिली हुई है। दोस्तों, ऐसा बोला जाता है इनके पास इतने ज्यादा पैसे हैं कि कई सारे देश बहुत सालों तक इनके पैसे से अपना देश चला सकते हैं। कई देशों की जीडीपी भी इनके पैसे के आगे कम है। अब ये देश कितना अमीर होगा, इस बात का अंदाजा तो अब तक आपने लगा ही लिया होगा। क्यों? अब सोचिए दोस्तों, जो जितना अमीर होगा उसकी सेफ्टी भी उसी लेवल की होगी। आपको जानकर हैरानी होगी, मोहम्मद बिन सलमान जब कभी भी बाहर जाते हैं तो वो बाहर का खाना नहीं खाते। इतना ही नहीं दोस्तों, महल के अंदर तो सोना समझ आता है, लेकिन घर के बाहर भी मोहम्मद बिन सलमान सोने से पीछे नहीं हटते। मोहम्मद बिन सलमान के साथ हमेशा से सोने की सीढ़ी होती है। जब कभी ये प्लेन में यात्रा करते हैं तो इन्हीं सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। खैर दोस्तों, अल यम माहा के बाद उनके पास एक और महल है। उस महल का नाम है अल अजुआ पैलेस। इस पैलेस में आपको मोहम्मद बिन सलमान का इतिहास देखने को मिलेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस पैलेस के दीवारों पर इनके पूर्वजों की तस्वीर लगी हुई है। दोस्तों, इतने सारे महल होने के बावजूद मोहम्मद बिन सलमान ने एक और बड़ा महल खरीदा था, जो उस वक्त से अब तक काफी ज्यादा चर्चा में रहा। जैसे कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अभी कुछ साल पहले ही सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान ने एक नया घर खरीद कर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। बता दें, जिस घर को उन्होंने खरीदा था, अमेरिका की एक पत्रिका ने 2 साल पहले दुनिया का सबसे महंगा घर करार दिया उसे। इसकी कीमत $300 मिलियन बताई जाती है, जो कि भारतीय मुद्रा के हिसाब से 19 अरब 22 करोड़ से भी ज्यादा है। सऊदी प्रिंस ने इस घर को फ्रांस के एक नामगीर चितेउ लुईस 14वें से खरीदा है। बताया जा रहा है 57 एकड़ एरिया में फैले इस आलीशान घर में सोने की पंखुड़ियों वाले फव्वारे लगे हैं। अब चूंकि मामला खुफिया एजेंसी से जुड़ा है, इसलिए शानो शौकत से लैस इस घर के बारे में ज्यादा कुछ खुलासा नहीं किया गया। फ्रांस के वर्सलेज के पास बने इस आलीशान महल में कई बड़ी खासियतें हैं, जो आपके लिए और हमारे लिए महज एक सपना ही है। महल में लगे फाउंटेन, लाइट्स, हवा, साउंड को दुनिया के किसी भी कोने से सिर्फ एक आईफोन के जरिए ऑन करके सुना जा सकता है। इसके अलावा महल पारंपरिक शिल्पकारी से सजा हुआ है। आलीशान किचन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस घर को अहमद खशोगी ने बनाया। आर्म्स डीलर अदनान खशोगी के भतीजे अहमद खशोगी ने 19वीं शताब्दी के एक महल को तोड़कर उसकी जगह ये नया महल बनाया। दोस्तों, इस महल को पारंपरिक शिल्पकारी से तैयार किया गया है। इस शानदार महल में वाइन के लिए एक पूरा तहखाना, भूमिगत नाइट क्लब, स्क्वैश कोर्ट, विशाल बॉलरूम, होम थिएटर, विशाल भित्ती, चित्रों वाली छत, रंगीन मछलियों से भरा हुआ अंडर वाटर व्यूइंग टैंक भी है। आपको ये महल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। ये तो कुछ भी नहीं दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान ऐसे कारनामे करते रहते हैं। कहा जाता है, जब मोहम्मद बिन सलमान 35 साल के थे तब वो राजा नहीं हुआ करते थे। उस वक्त उन्होंने एक $450 मिलियन की तस्वीर को खरीदा था। बता दे, पेंटिंग लियोनार्डो विंची की थी, जिसमें जीसस क्राइस्ट की फोटो बनी है। हो गए ना हैरान दोस्तों? वैसे क्या आपने सोचा था सऊदी के राजा का महल कुछ ऐसा होगा? कमेंट बॉक्स में बताना। उम्मीद करते हैं आज की हमारी वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। साथ ही ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।